हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो आज आ गया है संडे और टाइम है एक यम्मी रेसिपी आपके साथ शेयर करने का। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन करी रेसिपी फॉर हेल्दी वेट गेन। मैं आपको बताऊंगी इसमें कि क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, बट उससे पहले कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। तो चिकन एक ऐसा नॉन वेजिटेरियन आइटम है जो आप बच्चों के डाइट में 1 ईयर के बाद तो डेफिनेटली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डालो, बिकॉज चिकन के बहुत सारे फायदे हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो चिकन को आप एक्चुअल में अराउंड 9-10 मंथ्स के आसपास भी बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हमने काफ़ी अर्ली कबीर को चिकन देना स्टार्ट कर दिया था, हमने आई थिंक अराउंड 8 मंथ्स पे कबीर को चिकन देना स्टार्ट कर दिया था। एंड बस आपको उस टाइम पर ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पर जो आप चिकन बेबी को देते हो वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, प्यूरी फॉर्म में होना चाहिए, और आपको उसका रिएक्शन जो है वो देखना है, क्योंकि बच्चों को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए सेफर साइड पे जनरली डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि 1 साल के बाद स्टार्ट करो, बट जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे एक्सपीरियंस में हमने पहले कर दिया था और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब दूसरी बात करते हैं कि इसको मैं हेल्दी वेट गेन रेसिपी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस चिकन करी में हमने आज डाला है काजू। काजू जो है, जैसे कि आप जानते हो कि भाई नट्स जो होते हैं वो बच्चों के हेल्दी वेट गेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि नट्स को जो है पाउडर फॉर्म में चीज़ों के ऊपर डाल के देने की कोशिश करते हैं, तो इस रेसिपी के थ्रू आपको एक अलग आइडिया मिलेगा जहाँ कि आप नट्स को और कैसे बच्चों के मील में डाल सकते हो। तो दैट वेज एक अच्छा हेल्दी वेट गेन जो है बच्चों को मिलता है। चिकन लेते टाइम बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि चिकन फ्रेश हो, उसका फ़ायदा जो है सबसे अच्छा होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बेबी को 1 साल से छोटे बेबी को चिकन दे रहे हो तो उसमें इस रेसिपी में आप बिल्कुल सॉल्ट मत डालो। 1 साल से ऊपर के बेबी को भी आप थोड़ा सॉल्ट डालो, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मुझे लगता है वैसे ही किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो वो है, अपार्ट फ्रॉम दैट इस रेसिपी को के साथ नॉर्मली बच्चे इंजॉय करते हैं चपाती, जैसे कबीर भी है वो कभी चपाती खाता है कभी परांठा खाता है, बट अगर आपका बेबी राइस प्रेफर करता है तो आप राइस भी दे सकते हो, तो दैट वेज ऑल्सो वो कॉम्बिनेशन जो है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था सिंपल सा हमारा एक इंट्रोडक्शन इस रेसिपी के बारे में। चिकन के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, चिकन इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, स्पेशली बढ़ते बच्चों के लिए चिकन एक बहुत ही अच्छा फूड, एक सुपर फूड माना जाता है अगर हम सिर्फ उसके हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखें तो। और आयरन भी बहुत अच्छा मिलता है चिकन में, और अच्छी बात यह है कि चिकन जो है वो स्टमक को काफ़ी अच्छा फुल कर देता है, मतलब चिकन को थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है तो वो स्टमक को काफ़ी देर तक फुल रखता है, जिससे कि बच्चे को बार बार जो है भूख नहीं लगती है। नॉर्मली हम भी ये प्रेफर करते हैं, मैं डिनर में चिकन देना कबीर को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज देन वो आराम से पूरी रात, मतलब उसको भूख का भी कुछ नहीं होता है, वो आराम से रात को सोता है, तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कबीर को चिकन देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हफ्ते में 2 बार हम उसमें ये काजू डालने की भी कोशिश करते हैं। तो इस पूरी रेसिपी को आप विद काजू भी बना सकते हो, विदाउट काजू भी बना सकते हो, और दोनों ही चीज़ें आप इस वीडियो में सौरभ से सीख लोगे। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए सौरभ की फेवरेट रेसिपी में ले जाते हैं और आपको सौरभ के मुंह से ही सुनाते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो पीसेस मैंने लिए हैं वो है चिकन के लेग पीसेस, 2 क्वांटिटी में लिया है। साबुत मसालों में लिया है यहाँ पे जीरा, दालचीनी, 4 पीस साबुत काली मिर्च, 2 पीस लौंग और 1 छोटी इलायची। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट हैं वो इस प्लेट में रखे हुए हैं, हमने लिया है गार्लिक, अदरक, अनियन, टमेटो, और मसालों में लिया है हमने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने गार्निशिंग के लिए लिया है जो कुकिंग के एंड में डलेगा वो है कोरिएंडर लीव्स या धनिया के पत्ते, और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है 8 पीस काजू जो हमने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। तो ये हैं आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने सामने देख सकते हैं। उसके अलावा कुकिंग के टाइम पे 1/2 ग्लास पानी आपको चाहिए होगा। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपने 8 पीस काजू भिगो के रखे हैं उसी पानी के साथ आप ये मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लें, और पेस्ट बना के कटोरी में डाल के इसको अलग से रख लीजिए, ये आपके कुकिंग के टाइम पे यूज़ होगा। आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि ये पेस्ट जो है वो कुकिंग के टाइम पे ही आप बना के रखें।
इसके बाद कुकिंग स्टार्ट है। आप एक ओवन को ऑन करिए और इसके अंदर छोटा प्रेशर कुकर जो हमारा फेवरेट है कबीर के खाना बनाने के लिए वो हमने यहाँ पे चढ़ाया और इसके अंदर 2 स्पून सरसों का तेल हम डालेंगे। हम ये चिकन रेसिपी जो है वो सरसों के तेल में बनाते हैं। आपके पास अपना बिल्कुल ऑप्शन है कि आप इसकी जगह घी यूज़ करें या रिफाइंड ऑयल यूज़ करें, बट हम टेस्ट के लिए सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। सरसों के तेल से कुकिंग करने में जो मैं इंश्योर करता हूँ वो ये इंश्योर करता हूँ कि कुकिंग स्टार्ट करने से पहले सरसों के तेल को अच्छी तरह पकाना, ताकि उससे जो एक अजीब सी स्मेल आती है वो कुकिंग से पहले उससे हट जाए और सिर्फ जो इसका टेस्ट है वो खाने के अंदर मिले। आगे की कुकिंग मीडियम हीट में है, सरसों का तेल अच्छी तरह पक गया है और इसके अंदर सारे साबुत मसाले जैसे जीरा, दालचीनी, इलायची वगैरह हम डाल देंगे और ये हल्का सा ब्राउनिश जब हो जाएगा, हल्का सा कुक होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन। प्याज, अदरक और लहसुन का मसाला लगेगा तो ये एक साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और कुक होने देंगे। बच्चों के खाने को आपको ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन डाल दिया है और ये कुक हो रहा है, लेकिन इसको आप ज़्यादा देर तक ना भुनें। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा इसके अंदर, तो आप अपने टमाटर ऐड कर सकते हैं। टमाटर हमने जो लिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ लिया है एक मीडियम साइज़ टमाटर का, तो ये ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर तक कुक करेंगे। हमने टमाटर चॉप लिया है, आप टमाटर का पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, ये भी एक पर्सनल टेस्ट प्रेफरेंस होता है। इसको 1 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। ये सारे मसाले एक साथ डाल देंगे और एक साथ डालने के बाद इसको धीमी आंच में हल्का सा कुक कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट कुक करना इज़ मोर देन अनफ। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन पीसेस डाल देंगे और बाकी की कुकिंग मसालों की चिकन के पीसेस के साथ ही होगी। जो चिकन पीसेस लिए हैं वो हमने धुले हुए रॉ चिकन पीसेस इसके अंदर डाल दिए हैं और चिकन को अलग से फ्राई नहीं किया है। अलग से फ्राई करने से इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो थोड़े से निकलने के चांसेस होते हैं, तो इसको हमने रॉ फॉर्म में ही डिसाइड किया है कि ये मसालों के अंदर फ्राई होगा। इसी से आप इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो आप बच्चों के लिए इंटैक्ट रख रहे हो। ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी आदत है कि खाने को काफ़ी देर तक भुनना, ज़्यादा ऑयल डालना, इससे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रह जाता है जब ये बन जाता है। तो इसको बहुत ही कम कुक करने के बाद, जैसे 2 मिनट हमने इस चिकन को कुक किया मसालों के अंदर, और अब इसके अंदर जो हमने शुरू में पेस्ट बनाया हुआ था काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस काजू के पेस्ट के साथ चिकन को 2 से 3 मिनट तक कुक होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप करछी जो है वो कॉन्स्टेंटली चलाते रहें, क्योंकि काजू को नीचे चिपकने नहीं देना है। काजू जो है वो नॉट ओनली टेस्ट ऐड करता है, बट एट द सेम टाइम ये एक वेट गेनिंग फूड है, जो मानसी ने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप ये सेम कुकिंग जो है वो काजू के बिना अगर करेंगे और सिर्फ पानी ऐड करेंगे तो आप नॉर्मल दे सकते हैं, और आपको अगर ये वेट गेनिंग के लिए चाहिए या ज़्यादा टेस्ट के लिए चाहिए तो आप काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमने कबीर को 1.5 साल तक जो चिकन दिया है उसके अंदर काजू ऐड नहीं किया है, लेकिन 1.5 साल के बाद हम उसकी चिकन रेसिपी में काजू ज़रूर ऐड करते हैं और उसको हफ्ते में 2 बार कम से कम ये चिकन रेसिपी बना के खिलाते हैं। तो देखिए, अब पानी डालने का टाइम आ गया है। इसके अंदर 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम ऐड कर देंगे और पानी में इस मिक्स को अच्छी तरह मिला देंगे, और जैसे ही फर्स्ट बॉयल आते हुए आपको दिखता है, जैसे देखिए फर्स्ट बॉयल जैसे ही आया, मैंने जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है, जो लिड है, वो डाल दिया है। इसके बाद हम इसको डिपेंडिंग ऑन योर प्रेशर कुकर हम उसको नंबर ऑफ़ सीटीज़ देंगे। जैसे हमारे प्रेशर कुकर में जो हम यूज़ कर रहे हैं छोटा सा, इसके अंदर 5 से 7 सीटी देने के बाद ये जो है वो प्रॉपरली कुक हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो सारा प्रेशर निकलने के बाद आप ढक्कन ओपन करिए। चिकन जो है वो अभी भी गर्म है और इस गर्म चिकन के अंदर अपने कटा हुआ जो धनिया है वो इसके अंदर ऐड कर लीजिए, जो गार्निश भी देगा और हल्का सा अरोमा और टेस्ट भी ऐड करेगा चिकन के अंदर। इसको आप ढक लीजिए ताकि अच्छी तरह इसका अरोमा जो है वो चिकन के अंदर फैल जाए। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 मिनट बाद आप इसे ओपन करिए और चिकन जो है वो सर्व करने के लिए और बेबी को खिलाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लीजिए और अपने बेबी के पसंदीदा क्वांटिटी के हिसाब से आप चिकन का पीस
और जो ग्रेवी है वो सर्व करिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपका बेबी डेफिनेटली बहुत लाइक करेगा। कबीर तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है।